नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीडी पीजीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेकर आता रहता है। तो टीजीडी पीजीडी के लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं और आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो चैप्टर वाइज आपको सोल पेपर मिलेगा। इसमें आपको 2200 से ज्यादा बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हिंदी की बुक लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 3750 बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे और भी व्याख्या सहित। संस्कृत में आपको मिलेंगे 2650 क्वेश्चन और आपको गणित में मिलेंगे यहाँ पर 2450 क्वेश्चन। बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों ये आपके अलग से। और यहाँ पर दोस्तों 2750 मिलेंगे गृह विज्ञान में। कला में भी आपको दोस्तों 2400 मिलेंगे और विज्ञान में आपको 2500 से ज्यादा मिलेंगे। वाणिज्य में आपको 2850 मिलेंगे और शारीरिक शिक्षा में 2650, सामाजिक विज्ञान में आपको मिलेंगे 2150। अब यहाँ पर ये दोस्तों प्रश्न जो मिलेंगे वो बहुविकल्पी मिलेंगे व्याख्या सहित और चैप्टर वाइज सोल पेपर मिलेगा आपको। देखो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन पैक रहेगा चक्षु बुक का। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, जहां से आपको मन करे वहां से परचेज कर सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और साथियों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। अब संधि आप लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ या आपके पास नोट्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो संधि की मैं बात करने वाला हूं और ये टॉपिक जो संधि का है वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। चाहे आप लोगों को आज तक संधि आई या ना आई, लेकिन आज के बाद संधि आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जैसे संधि की मैं बात कर लेता हूं, देखो ये तो चीज़ अलग है, वो पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। संधि दोस्तों ये आपकी इस प्रकार से भी लिखी जाती है और संधि जो है आपकी ये भी सही है। ध्यान देना दोस्तों, आपका कभी कभी आपसे शुद्ध और अशुद्ध पूछ सकता है, तो ये दोनों उस प्रकार की जो संधि लिखी गई हैं वो शुद्ध ही हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़, यानी कि मेल। आप लोग ऐसे नहीं जानते तो जैसे कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे, जैसे पुराने महाराजा वगैरह लड़ाई करते थे तो वो आपस में संधि कर लेते थे, हैं? तो संधि का मतलब हो गया मिल गए, यानी कि जोड़ हो गया उनका, गठबंधन हो गया उनका, मेल हो गया, ठीक है। तो वो होगी दोस्तों संधि, ठीक है। और संधि शब्द जो है दोस्तों किससे मिलकर बना है? सम धन, शम धन धी, संधि, ठीक है। दोस्तों अगर संधि की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप बताएंगे दो वर्णों या ध्वनियों के संवेग संयोग से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कहेगा वर्ण, अगर आपकी वर्ण की बात आएगी, वर्णों का मेल, तो ऐसे में आप लोग दोस्तों क्या बताएंगे? आप बताएंगे संधि। अगर बाय चांस मान लीजिएगा आपसे पूछने लगा पदों का मेल, पदों या शब्दों का मेल, पदों या शब्दों का मेल, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता दोस्तों? ये होता आपका समास। क्या होता सर? ये आपका समास होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए आगे और कुछ मैं लिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे लिखा सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, ठीक है। तो सब्जी धन वाला, दोस्तों क्या इसमें संधि है? क्या इसमें संधि है दोस्तों? आप कहेंगे सर इसमें कोई भी संधि नहीं होगी, इसमें कोई भी संधि, कोई संधि नहीं है। लिख सकते हैं आप लोग कोई संधि नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या
धन अल्य। तो ये किसका मेल हो गया दोस्तों, ये वर्णों का मेल हो गया यहां से ये। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो संधि की हम लोग बात कर रहे थे सर, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है, ज्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। संधि के लिख लीजिए आप लोग चाहें तो, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि के भेद, तो ये तीन भेद होते हैं संधि के दोस्तों। एक होती है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। एक होती है सर आपकी व्यंजन संधि, एक होती है सर आपकी विसर्ग संधि। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। अगर मैं स्वर संधि की बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्वर यानी कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता विकार। ठीक है, या मैं ऐसे कहूंगा कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कह स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आपके पांच पार्ट होते हैं सर। पांच पार्ट कौन से होते हैं सर? इसमें होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरी होती है सर इसमें गुण संधि, गुण संधि। तीसरी होती है दोस्तों इसमें वृद्धि संधि। फोर्थ होती है इसमें दोस्तों गुण यण संधि। इसके बाद होती है दोस्तों आपके अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर दोस्तों स्वर संधि के पांच पार्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, पांच पार्ट होते हैं किसके? स्वर संधि के। तो अब मैं पहले आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है दोस्तों? स्वर कितने होते हैं हमारे, आप लोग जानते हैं दोस्तों स्वर कितने होते हैं हमारे? स्वर तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर स्वर तो हमारे 11 होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो आपको करना क्या है, देखो ए और आ इन दोनों का जोड़ा मला बना लेना आपको, यानी कि किसी के पास नहीं जाना है, इन दोनों का जोड़ा अपना है अलग। ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री। ठीक है दोस्तों, इसका भी जोड़ा आप लोगों को अलग बना लेना है। बी हो गया, ए आई ओ आउ। दोस्तों ये क्या हो गया आपका? ये हो गया तीसरा जोड़ा। ठीक है, यानी कि मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि ये जो तीनों है ना कॉलम, ए बी सी डी, ए बी सी, तो तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि बी में कौन कौन से आएंगे और सी में कौन कौन से आएंगे। ऐसे मान के चलो ए में तो आपके शुरू के दो हो गए ए आ, और जो आपके सी वाले में है इसमें दोस्तों आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। देखिएगा, संयुक्त स्वर की संख्या चार होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या चार ही होती है। ठीक है, तो अब मैं एग्जाम्पल देता चलूंगा, लेकिन इससे पहले आपको जो है पहले लिखना है आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सर दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है सर? दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। ठीक, तो इसकी ट्रिक यह है कि ए प्लस ए और बी प्लस बी, ये आ सकता है आपका। इसमें दोस्तों समान स्वर आने चाहिए, समान स्वर। ये देखने वाली बात है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, क्योंकि आगे संधि में आप लोगों को ये चीज मिलने वाली है और डिफिकल्ट होकर। तो ए प्लस ए आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा आपका। बी प्लस बी, ये भी आपका दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसकी इसके बारे में। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था विद्यालय, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? विद्यालय बताया। तो कैसे करेंगे इसको? सर विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य है ना, आल्य है। दोस्तों धन से पहले आपका आ निकलता है, धन के बाद निकलता है दोस्तों आपका आ, और आ मिलकर दोस्तों क्या बनते हैं? आ का ही निर्माण करते हैं। ये किसने बताया आपको दोस्तों कि आ आ मिलेगा तो आ ही बनेगा? पता है ना आपको इसके बारे में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ दीर्घ स्वर संधि के। दोस्तों मेरी जो क्लासेस हैं,
जैसे संधि में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो छोटी क्लास भले से रहें लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये रहता है क्लास छोटी करने का, चाहे मैं पूरे कोर्स को 20 वीडियो, 50 वीडियो, 60 वीडियो में पूरा करूं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो देखने में कोई आपका जो मन है वो भी उदास नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा हिम धन आल्य, तो हिम में से क्या निकला दोस्तों, ए निकला, इसके बाद क्या निकला दोस्तों, आ निकला, ठीक है भाई। अगर हम लोग कोई भी हम लोग व्यंजन तोड़ेंगे तो उसमें से ए निकलता है, जैसे क की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों क्या रहेगा, अधक और अ, अर्थात दोस्तों ये जो है जैसे मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में आत्मा होती है, मनुष्य में ढांचा होता है, तो बेचारा ढांचा ढांचा रह गया है ना, ये आपका जो हो गया आत्मा निकल गई। तो अधक है जिसके नीचे हलंत होता है, वो आपका अर्ध होता है, क और अ। देखो यहां से क्या हो गया, आपका हिमालय यहां से हो जाता है, कैसे, क्योंकि मैं में से आपका ए निकला और आ का तो आपका ये है ही, ठीक है। और ए और आ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, आ का निर्माण करते हैं, तो हिम धन आल्य हिमालय यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा माया धन अधीन, तो माया यानी कि आ और ए, ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है, मायाधीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय की बात, अच्छा हिमालय हो गया, विद्यालय की बात करेंगे, विद्या धन आल्य है, विद्या धन आल्य है, क्या हो जाएगा, ये भी विद्यालय हो जाएगा दोस्तों। इसके एग्जाम्पल समझिएगा, ये ए प्लस ए है, ये भी ए प्लस ए है, ये भी ए प्लस ए है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए प्लस ए और बी प्लस बी, बी प्लस बी में क्या होगा, समान स्वर होने चाहिए, कोई सामने दूसरा ना हो, अर्थात जैसे छोटा ई आ रहा है आपका समान स्वर में, तो इसके बाद छोटी ई या छोटी बड़ी या बड़ी ई आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका छोटी ई के साथ दोस्तों री रख दिया, या छोटी ई के साथ दोस्तों हमने आ, आ, किसको रख दिया, री को रख दिया, और बस यही तो है इसमें, ठीक है, मतलब सेम आनी चाहिए आपके दोस्तों। हम लोग जो है किसकी बात कर रहे थे, दीर्घ की बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, या और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, छोटी ई यहाँ से हो गया आपका, और ये हो गया आपकी छोटी, देखो ये बी वाले ऑप्शन में है आपका, ये भी आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो क्या हो जाता है, बड़ी ही हो जाती है। बी वाले में कौन कौन से हैं दोस्तों, बी वाले में कौन कौन से हैं देखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री री, दोस्तों ये चार जो हैं वो किस में हैं, बल्कि पांच, पांच किस में दोस्तों आपके, ये बी वाले कॉलम में, बी वाले कॉलम में आपके हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हरी, बड़ी ई हो गया, ये भी आपका बड़ी ई हो गया, हरीश, महेंद्र दोस्तों बड़ी ई हो गया आपका यहाँ पर, और ये हो गया आपकी छोटी ई, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका महेंद्र हो जाता है, ये रही हरीश ही कविच्छा है। नदीश बड़ी रहा आपका, और ये भी आपका बड़ी रहेगा, ठीक है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हो गए आपके। ये किसके एग्जाम्पल थे सर, ये थे आपके दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। अब मैं गुण संधि के एग्जाम्पल आप लोगों को बताने वाला हूँ सर, यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप लोग कुछ चीजें लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला यह है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोस्तों फॉर्मूला है, या अब मैं कह सकता हूँ ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी यानी कि ए में क्या हो गया आपका, ए में हो जाएंगे दोस्तों ए और आ, ठीक है, बी में कौन से हो जाएंगे दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी बड़ी ई, ठीक है, ऊ औ और री री। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा आपका ए जो है वो ई से मिल जाता है, मान लो छोटी वाली ई से मिल जाता है, तो ये ए बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है सर, ए बन जाता है। अगर ए जो है आपका ऊ से मिल जाता है, ठीक है, ए ऊ ओ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। अगर ए आपका दोस्तों किससे मिल जाता है, री से मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा आपका, ठीक है, अब समझ में आएगा आपके, बेफिक्र रहिएगा दोस्तों। मैंने कहा महाधन उत्सव, तो दोस्तों प्लस से पहले आपका आ निकला, प्लस के बाद ऊ निकला, तो दोस्तों ये ए वाले में है, ये बी वाले में है, क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, महोत्सव हो गया आपका। गंगा धन उर्मी दोस्तों, ये रहा आ और ये रहा आपका ऊ,
यानी कि ए में से आपका आ निकलेगा और बी में से आपका छोटा ऊ निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया दीर्घ संधि। देव यानी कि ए और ये रहा आपका री, ठीक है, तो ये आपका अर हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है दीर्घ गुण संधि का एग्जाम्पल। आपका हमने कहा महाधन ऋषि महर्षि, प्लस से पहले आ हो जाएगा आपका, प्लस के बाद आपका री हो जाएगा, ठीक है, महर्षि। ठीक, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। दोस्तों अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो आप लोग जो ना फीडबैक या ऑप्शन आता है ऐप में ही कोई क्वेश्चन अटैच करने के भेजने के लिए भी, और लिख भी सकते हैं आप लोग। वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है ना, आपकी डबल मात्रा तो आपको हमेशा मिलेंगे ही, जैसे सदैव के ऊपर जो है डबल मात्रा लिखी है, महेश्वरीय के ऊपर और जलोकस के ऊपर और परमोसद के ऊपर, तो यहां पर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे ट्रिक जो है ए प्लस सी रहेगा आपका, ए प्लस सी यानी कि प्लस से पहले आ निकलेगा, प्लस के बाद ए निकलेगा, तो ये आप जो है ना ए सेक्शन वाले हैं और ये जो है ना सी वाले हैं, सेक्शन वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई। इसके बाद आपका आ और ये आई, ये ए वाले के और ये सी वाले के, ठीक है। इसी प्रकार से ए और ओ, ए और औ, ठीक है। दोस्तों यण स्वर संधि की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल ये रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लेना, बी प्लस अन्य स्वर, बी प्लस अन्य स्वर जो है वो आपका यण स्वर संधि का एग्जाम्पल रहेगा, लेकिन इसमें अन्य मतलब असमान स्वर होने चाहिए, असमान स्वर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में उसमें समान स्वर थे, लेकिन इसमें असमान स्वर हो जाते हैं, ठीक है, इसमें असमान स्वर हो जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि छोटा उ और ए आ, री धन आ, ई धन अ, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब यण संधि की पहचान क्या थी, मैंने बताई थी बी प्लस अन्य स्वर होनी चाहिए, बी प्लस अन्य स्वर, तो बी में आ जाता है आपका दोस्तों उ, री भी आपका बी में आता है, ई भी आपका बी में आता है, तो सारे का सारा एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद करते हैं अयादि स्वर संधि, किसकी बात करते हैं सर, अयादि स्वर संधि की बात करते हैं। यण में और अयादि में काफी लोग जो ना फंस जाते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों सी प्लस अन्य स्वर, सी प्लस अन्य स्वर, ठीक है। दोस्तों सी में क्या उनसे आते हैं आपके ए आई ओ औ, इनके साथ दोस्तों कोई से भी अन्य स्वर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ने है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, जैसे आई है दोस्तों क्या हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, पवन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औ, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी आप लोग काफी अच्छा है, उलझा हुआ हो सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसकी पहचान दोस्तों एक और बता दूं मैं, अयादि यण संधि की, पीछे रह गए आपका, इसकी पहचान ये हो सकती है दोस्तों ज्यादातर इम्पोर्टेंट, कि य र ल और व, ठीक है, य र ल व के साथ जो है ना कोई आधा अक्षर पहले आता है, कोई आधा अक्षर पहले आता है, जैसे व य पित्र, ठीक है, ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं। अयादि स्वर संधि की बात करेंगे दोस्तों, पवन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका एक रूल और लिखा देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिएगा ए जो है आपका ऐसे मिलेगा तो क्या होगा आपका अय होगा, और जो आई है वो है आपका ऐसे मिलेगा, ये भी आपका आय हो जाएगा। दोस्तों ओ जो है ऐसे मिलेगा, आओ, ठीक है, अब हो जाएगा दोस्तों, एक रहा आपका आओ और ए, आब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अयादि स्वर संधि आप लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है, नयन नायक पवन पावक ये सब में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, और स्वर संधि मैंने आप सभी को पढ़ा दी है ध्यान से, ठीक है। अब की बार हम लोग जो पढ़ेंगे अव्यंजन संधि पढ़ेंगे, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
और हाँ, आप फीडबैक देना ना भूलें।